हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्रेगनेंसी में फलों का सेवन शरीर को कमजोरी से बचाता है और इस दौरान होने वाली परेशानियों में भी फायदेमंद माना जाता है। पोषक तत्वों से भरपूर फलों का सेवन करना प्रेगनेंसी में फायदेमंद होता है। वहीं कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिनका सेवन गर्भवती महिलाओं के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को इन फलों का सेवन न करने की सलाह दी जाती है। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से 7 फल हैं जो गर्भवती महिलाओं के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। नंबर 1, अंगूर। अंगूर सेहत के लिए बहुत फायदेमंद फलों में से एक है। प्रेगनेंसी में अंगूर खाने के सेहत के लिए नुकसानदायक माना जाता है। इसमें मौजूद रेस्वेराट्रोल नामक तत्व गर्भवती महिलाओं के लिए जोखिम पैदा कर सकता है, इसलिए प्रेगनेंसी में अंगूर सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की समस्या होती है तो बिना डॉक्टर की सलाह के अंगूर नहीं खाना चाहिए। नंबर 2, इमली। प्रेगनेंसी के दौरान इमली खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इमली में मौजूद गुण प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन को कम करने का काम करते हैं। इसकी वजह से गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के दौरान बहुत ज़्यादा इमली खाना नुकसानदायक माना जाता है। नंबर 3, पाइनएप्पल। गर्भवती महिलाओं के लिए पाइनएप्पल भी नुकसानदायक माना जाता है। पाइनएप्पल में मौजूद ब्रोमेलिन प्रेगनेंसी में नुकसानदायक माना जाता है। इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से बच्चे को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। प्रेगनेंसी के दौरान पाइनएप्पल खाने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। नंबर 4, फ्रोजन जामुन। प्रेगनेंसी में फ्रोजन जामुन खाना नुकसानदायक माना जाता है, इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी में जामुन खाती है तो फ्रोजन जामुन के बजाय आप ताज़े जामुन का सेवन करें। फ्रोजन जामुन प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे दोनों को नुकसान पहुँचा सकता है। नंबर 5, कच्चा पपीता। प्रेगनेंसी में महिलाओं को पपीता खाने से बचना चाहिए। विशेष रूप से कच्चा पपीता गर्भवती महिलाओं के लिए नुकसानदायक माना जाता है। इसमें मौजूद लेटेक्स भ्रूण के लिए नुकसानदायक माना जाता है। एक्सपर्ट हमेशा गर्भवती महिलाओं को पपीता खाने से बचने की सलाह देते हैं। नंबर 6, फ्रोजन टोमेटो। प्रेगनेंसी में किसी तरह के फ्रोजन या डिब्बाबंद फलों का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दौरान डिब्बाबंद टमाटर या लंबे समय के स्टोर किए टमाटर खाना नुकसानदायक माना जाता है। नंबर 7, केला। ऐसे महिलाएं जिन्हें डायबिटीज़ की समस्या है और वो गर्भवती है, उनके लिए केला खाना सुरक्षित नहीं माना जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान एलर्जी, डायबिटीज़ या जेस्टेशनल डायबिटीज़ की समस्या होने पर केला खाने से बचना चाहिए। इसका अधिक सेवन करने से एलर्जी की समस्या हो सकती है और ब्लड शुगर बढ़ सकता है। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।